हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोई। दोस्तों, मैंने अभी ग्रहण का ट्रेलर देखा है और अभी ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, अभी आया ही है यूट्यूब के ऊपर। आप देखो, ये हॉटस्टार के ऊपर रिलीज होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे ग्रहण का ट्रेलर मुझे इतना अच्छा क्यों लगा और ये किस दिन को आने वाला है हॉटस्टार के ऊपर। देखो दोस्तों, ये 84 के दंगों के साथ एक लिंक्ड कहानी है जो आज के टाइम में फिट करी गई है। तो ऐसा दिखाया जाता है क्योंकि ट्रेलर में काफी हद तक स्टोरी क्लियर कर दी गई है कि अमृता सिंह जो है वो SIT कमेटी की अब मेंबर बन गई है, जिसको फाइंड आउट करना है कि 84 के दंगों में एक्चुअली में इनिशिएट किसने करे थे और जो Anti-6 रायट हुए थे उसकी जांच के अंदर कौन कौन कल्प्रेट निकलते हैं और उनको सजा दिलाने का काम है। अब अमृता जो सिंह है वो प्ले किया है जोया हुसैन ने और उनके फादर जो है वो पवन मल्होत्रा ने प्ले किया। बेहतरीन एक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि ऋषि रंजन नाम का कोई व्यक्ति है जिसने ये सारे रायट्स कराए थे। और जब फोटो का एनालिसिस होता है और बैकग्राउंड लोगों से पता किया जाता है उस जमाने के जब राइट हुए थे कि ये ऋषि रंजन वही है जो आयुष्मान ने रोल प्ले किया है, बहुत ही बेहतरीन एक्टर अगेन, वो बेसिकली अमृता सिंह के ही फादर है यानी पवन मल्होत्रा। तो अब ये बन जाती है खिचड़ी क्योंकि अमृता सिंह के पास दो चॉइसेस हैं, एक या तो अपने फादर को प्रोटेक्ट करे या फिर वो अपनी ड्यूटी कर ले। दोस्तों, अंशुमन भी बहुत ही तगड़ा एक्टर है। सोनी लिव में अभी काठमांडू कनेक्शन आई थी, तो हालांकि सीरीज इतनी अच्छी नहीं थी, पर इस भाई का रोल बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था और कहीं ना कहीं ये आपको अमिताभ बच्चन के जंजीर वाले टाइम का आपको याद दिला देगा। फर्दो दोस्तों, यहां पर बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि इमोशनल का ताना बाना होने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि जोया जब कन्फ्रंट करेगी अपने फादर को कि आप यहां पर इन फोटो में कैसे दिख रहे हैं, क्या आपने ये राइट्स कराए थे, तो कहीं ना कहीं जो फादर डॉटर के रिलेशनशिप है उसके अंदर खटास आएगी और वो उससे डायरेक्टली पूछ ली थी कि आप फोटो में आप एक मोना दिख रहे हैं यानी नॉर्मल दिख रहे हैं और उसके बाद आपकी पग किधर है, सरदारजी वाली पग किधर है जो कि शान होती है। तो वो जो क्वेश्चन जब टफ वाले पूछते हैं तो आप देखते हैं कि पवन मल्होत्रा का रंग उड़ जाता है और उसके बाद वो बोलता है कि कुछ ऐसे राज हैं जो राज रहने चाहिए। अब ये राज जो लास्ट सीन आता है उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी कोई ऐसी लव स्टोरी है जिसकी वजह से ये सारा का सारा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर उसने कुछ गदर जेन्युइनली मचाया है तो उसको शायद अपने लव को प्रोटेक्ट करने के लिए मचाया है। तो रियलिटी में दोस्तों क्या होता है, पवन मल्होत्रा क्या जेन्युइनली कल्प्रेट है कि नहीं है, यानी ऋषि रंजन प्लेड बाय आयुष्मान जो उसका यंगर वर्जन है, उसके लिए तो हमें सीरीज देखनी होगी। बहरहाल मैं ये बता सकता हूँ कि जिस तरीके से पुराने और नए को स्टिच करके एक नई स्टोरी का रूप दिया गया वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है। अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और बेहतरीन एक्टर हैं इसके अंदर। मतलब जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार एक एक्टर ने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया। तो डू वॉच, हाईली रिकमेंडेड, यूट्यूब के ऊपर है और वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा।